हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखो किस तरीके से लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, सेंटीमीटर स्केल है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। देखो 1 से लेके यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक मार्किंग किया गया है, जिसका मतलब यहाँ से अगर लेके आप यहाँ तक स्केल ड्रॉ करते हो तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। नीचे हमारे इंचेस हैं, इंच वाली स्केल है, उसको हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें यहाँ पर देखो सेंटीमीटर को लेके करना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से हम, और अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि 1 और 2 के बीच में आप देखोगे तो छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन 10 होंगे, है ना। 1 और 2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे 10 स्मॉल डिवीज़न है। तो एक जो स्मॉल डिवीज़न होता है वो बताता है मिलीमीटर बताता है, क्या बताता है, मिलीमीटर बताता है। 1 स्मॉल डिवीज़न आपको मिलीमीटर रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करो हमें क्या है, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पेंसिल की एज को 1 इंच पे रखेंगे और इसको 0 सपोज करेंगे, और यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ तक का वो ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका ए बी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से 8 सेंटीमीटर। सपोज करो आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तब क्या करना है कि यहाँ से ही रखें अपने पॉइंट को और यहाँ से लेके 14 सेंटीमीटर कर दिया, तो 14 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और ऐसे ही क्या है, लाइन सेगमेंट को मेजर भी करते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, आप इसको एज ए प्रैक्टिकल के रूप में इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके।